हम आज पावर एंड एक्सपोनेंट्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कल हमने जैसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे थे, उसके बाद में एक फॉर्मूला ऐसा है जब किसी पावर के ऊपर पावर हो तो हम ऐसे सिचुएशन में पावर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 2 है और फिर 3 है तो हम 2 into 3 करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 6। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 9 की पावर 2 और 2 है, इस कंडीशन में भी पावर है, पावर की पावर है तो हम 2 into 2 करेंगे यानी 9 की पावर 4। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 2 into 3 की पावर 4 into 3 की पावर 8। इस तरह एक अपने पास एक फॉर्मूला था इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का कि जब पावर डिफरेंट हो और उनका बेस सेम हो तो एक फॉर्मूला था कि हम पावर को ऐड करके निकालते थे, जिस तरह से था a की पावर n into a की पावर n। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, उनके पावर्स को ऐड करते थे। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। देखिएगा, यहाँ सभी जो इनके बेस है सेम है और इनकी पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इस जगह इन सभी की पावर्स को ऐड करेंगे। 2 + 4 + 8 यानी 3 की पावर 14 हमारा आंसर होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर 15 upon 6 की पावर 10। ऐसे क्वेश्चन में भी इसमें भी यही है कि इनका जो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन में था और यहाँ बटा सही में डिवीजन में है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला था, यदि इस सेट में हो तो हम पावर को माइनस करते हैं, यदि डिवीजन में है तो हम माइनस करते हैं और यदि मल्टीप्लीकेशन में है तो हम प्लस करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था a की पावर n इक्वल a, दोनों पावर को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे 6 पावर 15 माइनस 10, हमारा जो आंसर होगा वो 6 की पावर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 की पावर 3 into 1 की पावर 2। यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब पावर अलग अलग होती है तो उस कंडीशन में हम पावर को ऐड करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 7 की पावर x into 7 की पावर 2। इस कंडीशन में भी हम बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे, पावर को हम ऐड करेंगे। तो जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 7 की पावर x + 2। नेक्स्ट देखिएगा, 5
इसमें इस तरह से है 5^2 / 3 अपॉन 5^3। देखिएगा सबसे पहले इस ऊपर वाले को हम सोल्व करेंगे तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि यदि किसी पावर के ऊपर पावर हो तो हम पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से होगा और नीचे 5^3 लिख देंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 5^6 हो जाएगा, ये 5^3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और लग रहा है यहाँ, वो है देखो भाई सेम हो गया पावर अलग हो गया तो हम क्या करते हैं इसी कंडीशन में पावर को माइनस करते हैं तो 5^6 - 3 तो हमारा आंसर हो जाएगा 5^3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। टू की पावर 5 एंड 5^5। अब इसमें पावर सेम है और जो बेस है अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में हम जो बेस था उसको मल्टीप्लीकेशन करके हमारे आंसर निकालते हैं, जैसे इस तरह से आएगी फॉर्मूला तो हम उसको इस तरह से करते थे। यहाँ देखेंगे 2 × 5^5 इक्वल अपना आंसर हो जाएगा 10^5। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 8^4 × 2^4 यहाँ बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो यही फॉर्मूला लगेगा 8 × 4, ये हमारा आंसर रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3^4 / 3 ये वही फॉर्मूला है जिसमें मैंने अभी बताया था कि इस तरह से यदि पावर के ऊपर पावर हो तो हम उनको पावर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें यही करना होगा 4 × 3 तो हमारा आंसर हो जाएगा 3^12। इसी तरह एक क्वेश्चन है, ऐसी कंडीशन में जब कोई नॉन जीरो इंटीजर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? एक फोर इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा 1 × 1 × 1 आपका आंसर हो जाएगा 1।